मित्रों, यह तो आप सब जानते हैं कि जो इस पृथ्वी लोक पर आया है, एक ना एक दिन उसकी मृत्यु अवश्य होनी है। लेकिन आपने यह भी देखा होगा कि कुछ लोगों की मृत्यु अचानक हो जाती है। तो आखिर उनके साथ ऐसा क्या होता है? क्यों कोई बच्चा जन्म लेते ही मर जाता है? या फिर क्यों किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट से अचानक मृत्यु हो जाती है? क्या यह मृत्यु भगवान की मर्जी से होती है या हमारी गलती से? चलिए जानते हैं हमारी आज की इस वीडियो के माध्यम से। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई बच्चा पैदा होते ही मर जाता है, या कोई 2 साल, 4 साल या 5 साल बाद मर जाता है। तो यह कौन लोग होते हैं? मित्रों, यह पुण्य आत्माएं होती हैं। ये आती हैं, अपना कार्यकाल पूरा करती हैं और वापस चली जाती हैं। मित्रों, परमेश्वर कभी भी किसी मृत्यु का कारण नहीं बनते। हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही जन्म लेकर इस पृथ्वी लोक पर आता है और समय पूरा होने पर चला जाता है। मित्रों, मेरी या आपकी उम्र कितनी है हम यह नहीं जानते, लेकिन मैंने जितने पाप किए होंगे या पुण्य किए होंगे, उन सब का पहले यहाँ मुझे हिसाब किताब करना होगा। और जिस दिन मेरे पाप पुण्य जीरो हो जाएंगे, उस दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि तुम अपने जीवन में जो भी कर्म करो उसे मुझे सौंप दो। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यह कह दो कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा अस्तित्व कुछ नहीं है, मैं जीरो हूँ, और जो तुम कर रहे हो बस वही सब कुछ हो रहा है। मेरी पलक झपक रही है तो बस आपकी मर्जी से, मेरी वाणी चल रही है तो बस आपकी मर्जी से चल रही है। यहाँ जितना सब कुछ हो रहा है वह सिर्फ आपकी मर्जी से ही हो रहा है। इसलिए हम सभी को भगवान के चरणों में अपने दुख दर्द को समर्पित कर देना चाहिए। परमेश्वर पर कभी दोष नहीं लगाना चाहिए। आप कहते हैं कि किसी का अचानक एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यह भगवान की मर्जी से होती है। जी नहीं, भगवान कभी भी किसी की मृत्यु का कारण अपने सर पर नहीं लेते। हर व्यक्ति अपनी एक निश्चित उम्र लेकर पैदा होता है और समय पूरा होने पर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो मित्रों, किसी की मृत्यु ना तो भगवान की मर्जी से होती है और ना ही आपकी गलती से। जिसको जितना समय मिला होता है वह उतने समय तक ही रहता है और समय पूरा होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मित्रों, अब दीजिए हमें इजाजत। आशा करता हूं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी।